नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वोमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। सब्जेक्ट एनिमल डाइवर्सिटी एंड द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम पोरिफेरा। वी हैव डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम पोरिफेरा। Now the classification, and we already know that the phylum include about 5000 species of the sponges. 5000 species हैं sponges की, and grouped into the three class. तीन classes के अंदर इनको हमने divide किया है, mainly upon the nature of skeleton they possess. Skeleton के base के ऊपर हमने इनको तीन क्लास के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है कैलकेरिया, कैलकेरिया यानी कि कैलकेरियस लाइमी, जिनका स्पिक्यूल्स स्केलेटन, स्पिक्यूल्स क्या हैं, वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। तो फर्स्ट क्लास इज द कैलकेरिया। स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, यानी कि स्पिक्यूल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। दीज आर द रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। कैनोसाइट सेल्स आर लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूस, ठीक है। कैनोसाइट्स जिनके सेंटर के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, कैनोसाइट सेल्स होते हैं, वो बड़े साइज के हैं और कॉन्स्पिक्यूस हैं, बड़े खास हैं, स्पेशल हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एस्कोनॉइड साइकोनॉइड या ल्यूकोनॉइड, थ्री टाइप्स होती हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। स्मॉल साइज हैं, बिलो 10 सेंटीमीटर इन हाइट। दीज आर सोलिटरी और कॉलोनियल, अकेले भी और कॉलोनी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है। ऐसे में तो ये जनरल कैरेक्टर हैं क्लास कैलकेरिया के, कि वे स्केलेटन है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना है, ठीक है। बॉडी है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, कैनोसाइट सेल्स हैं उनका साइज बड़ा है और कॉन्स्पिक्यूस है, ठीक है। हाइट है वो 10 सेंटीमीटर से कम होती है। सोलिटरी और कॉलोनियल, अकेले या ग्रुप में भी मिल सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्कोनाइड साइकोनाइड या ल्यूकोनाइड टाइप है, और मोस्टली एक्सक्लूसिवली दीज आर द मैरीन्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक एग्जांपल है आपके क्लेथरीना, ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन एट्सेट्रा, ये आप एग्जांपल इसके अंदर दे सकते हो। यू प्लेक्टिला जो मेन कैरेक्टर फीचर्स के हैं, कि यू प्लेक्टिला इज द स्पंज विच इज गिवन एज गिफ्ट इन द जापान, ठीक है। जो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है यू प्लेक्टिला जापान के अंदर, और ल्यूकोसेनेलिया सबसे स्मॉलेस्ट स्पंज है, वो भी इसी क्लास के अंदर प्रजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं क्लास नंबर सेकेंड, हेक्सा एक्टिनिलिडा या हाइलोस्पंजी भी आप इसको कह सकते हैं। के स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ 6 रेड ट्राइएक्सॉन सिलिसियस कैप्सूल, ठीक है। स्केलेटन किसका बना है, 6 रेज ट्राइएक्सॉन, तीन एक्सॉन्स होते हैं, तीन पॉइंट होते हैं उनके स्पिक्यूल्स के, सिलिसियस स्पिक्यूल्स यानी कि सिलिका के बने होते हैं, SiO2 सिलिका के स्पिक्यूल्स। जो पहले वाले में जो कैल्शियम कार्बोनेट के थे, तो इसके अंदर सिलिका के स्पिक्यूल्स प्रजेंट होते हैं, ठीक है। कैनाल सिस्टम इज ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, जो कैनाल सिस्टम आगे आप डिटेल में पढ़ोगे कैनाल सिस्टम के बारे में, वो ब्रांच और अनब्रांच्ड दोनों तरह का हो सकता है। दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं, पहले वाले भी रेडियली सिमेट्रिकल थे कैलकेरिया क्लास के अंदर भी। और दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्लास स्पंजेज, हाइलोस्पंजिया, हाइलोस यानी कि ग्लास, स्पंजोस यानी कि स्पंज, इन्हें हम ग्लास स्पंज भी कहते हैं, ठीक है।
दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, मैनी इन द डीप सी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और मॉडरेट साइज ग्लास स्पंज हैं, सम रीच 1 मीटर इन लेंथ, मॉडरेट साइज है लेकिन कुछ कुछ 1 मीटर की लेंथ तक भी बढ़ जाते हैं, मैरीन हैं ये भी और डीप सी के अंदर आपको मिलेंगे। हाइलोनीमा, फेरोनीमा, दीज आर द एग्जाम्पल्स। हाइलोनीमा को हम ग्लास रोप स्पंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक्सैक्टिनिलिडा होगी कि इसमें स्पीक्यूल्स किसके बने हैं, सिलिका के बने हैं। कैनाल सिस्टम ब्रांच्ड और अनब्रांच दोनों तरह का है, रेडियली सिमेट्रिकल है, इन्हें हम ग्लास स्पंज के नाम से भी जानते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मॉडरेट साइज है, यानी कि 1 मीटर तक भी कुछ पहुंच जाते हैं, अदरवाइज मोस्टली क्या हैं, मॉडरेट साइज के होते हैं और डीप सी के अंदर मिलते हैं। नाउ मूव ऑन द क्लास थर्ड, दैट इज द डेमो स्पंजिया, डेमो फ्रेम स्पंज। दीज आर स्मॉल टू लार्ज साइज, छोटे से बड़े साइज के होते हैं, सोलिट्री अकेले भी हो सकते हैं और कॉलोनी के अंदर भी प्रजेंट होते हैं। इनके अंदर सिलिका स्केलेटन आइदर एब्सेंट और प्रजेंट, स्केलेटन एब्सेंट भी हो सकता है और प्रजेंट भी हो सकता है, लेकिन जब प्रजेंट है तो वो किसका बना हुआ होगा, सिलिसियस स्पीक्यूल्स का ही बना हुआ होगा, यानी कि सिलिका का ही बना हुआ। सॉरी, कैनाल सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड, रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम है। दीज स्पंजीज आर ऑफ ग्रेटर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इन स्पंजीज की इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑल आर मैरीन एक्सेप्ट फ्रेश वाटर फैमिली स्पॉन्जिलिडी, सभी मैरीन हैं, सिर्फ एक फ्रेश वाटर फैमिली है स्पॉन्जिलिडी, ठीक है। साइज हमने बता ही दिया है इनका, स्केलेटन सिलिसियस है इनके अंदर भी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं क्लोइना, स्पंजिला, चलीना, यू स्पंजिया, हिपोस्पंजिया एट्सट्रा, और स्पंजिला इज ए फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जाने। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वोमेन यूनिवर्सिटी। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you. Thank you very much.